तमाम आधार कार्ड होल्डर्स के लिए यह खबर है। खबर को अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये खबर आपके लिए है, अगर आपने भी 9 साल पहले आधार कार्ड बनाया है तो ये खबर आपके लिए हो सकती है। जैसा कि आप सब जानते हो कि आधार कार्ड को हमें टाइम रहते अपडेट कराना पड़ता है, चाहे वो हमारा फ़ोटो अपडेट हो या उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट हो, जिसको हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं, वो अपडेट हो। इंतज़ामिया ने एक डेट निकाली है जिसको 14 दिसंबर तक रखा गया है, तो 14 दिसंबर तक जो है आधार कार्ड आपको अपडेट कराना है। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं वहाँ पर भी आपको आधार कार्ड लिया जाता है, या चाहे कहीं भी आप लोग सफ़र करते हैं वहाँ पे आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, या किसी भी काम को आप करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है। जी हाँ, आधार कार्ड अब आप बिल्कुल इसको फ्री में अपडेट करा सकते हैं। मैं बताता हूँ वो फ्री में अपडेट आप कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CSC सेंटर पर जो है आपका आधार कार्ड अपडेट होता है, उसमें भी एक बड़ा अपडेट, वहाँ पे आप लोग सिर्फ फ़ोटो अपडेट अपना फ्री में करा सकते हैं, या अपना नाम जो है चेंज कराना चाहते हैं वो आप फ्री में करा सकते हैं। अगर आपने बायोमेट्रिक वहाँ पे जो है कराना है, यानी फिंगरप्रिंट कराना है, आपसे फीस ली जाएगी, आपसे और पैसे लिए जाएंगे। ये जो आप CSC सेंटर पे जाके उनको बोलेंगे कि हमने जो है न्यूज़ सुनी है और फ्री में जो है आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं, इसमें भी एक ट्विस्ट है कि आप लोग सिर्फ फ़ोटो और नाम अपना फ्री में अपडेट करा सकते हैं, और अगर आपने फिंगरप्रिंट अपडेट करवाने हैं अपने, या आईज़ का वो अपडेट करवाना है आपने, तो उसके लिए जो है आपको पैसा भरना पड़ेगा। जितना भी वो फीस होगा उतना आपको भरना पड़ेगा। अभी जो है इंतज़ामिया ने इसकी जो डेट निकाली है वो 14 दिसंबर तक रखी गई है। आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, अभी इंतज़ामिया ने इस पर बातचीत नहीं किया। अभी इंतज़ामिया ने कहा है कि अभी इस पर हम बातचीत करेंगे और वक्त रहते आप अपना आधार कार्ड जो है अपडेट करवा दीजिएगा। तब तक आप देखते रहिए दबा रखना।